वेलकम माई चैनल। दोस्तों आपको आज मैं बताऊंगा कि राज ऋषि मत्स्य यूनिवर्सिटी के जो रिवेल्यूशन के फॉर्म थे वो भरे जा रहे हैं और उनकी लास्ट डेट क्या है। ये सारे डिटेल आज आज आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप वीडियो को ध्यान से देखना और एक एक स्टेप बाय देखना, लास्ट तक देखना। तो अब चले चलते हैं, गूगल पे टाइप करना होगा सबसे पहले आपको राज ऋषि भारतीय मत्स्य यूनिवर्सिटी टाइप करना होगा। उसके बाद जैसे ही आप टाइप करते हो तो आपके पास ये स्टेप होगी, नेक्स्ट पहले स्टेप होगी, इस पर क्लिक करना होगा। जैसे मैं क्लिक करता हूँ उसके बाद आपके पास ये स्टेप होगी, आप इस पर क्लिक करना है, 2017 पे रिजल्ट पे क्लिक करना है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये स्टेप होगी। अभी 5 स्टेप है, आपको स्टूडेंट पैनल पे क्लिक करना है। अब देखते हैं, अब री एवेल्यूशन का फॉर्म भरे भरे जा रहे हैं, इस पर क्लिक करना है। ये रिजल्ट है, एग्जाम फॉर्म है, अभी एग्जाम फॉर्म नहीं भरे जा रहे 2020 वाले। एडमिट कार्ड यहाँ से निकलते हैं, टाइम टेबल यहाँ से, और रिवेल्यूशन का फॉर्म यहाँ से। जैसे मैं रिवेल्यूशन के फॉर्म पर क्लिक करता हूँ इस पर, तो आपके सामने ये होगा यूजी के अंदर कौन कौन सी क्लास का फॉर्म भरा जा रहा है, और प्रूफ LLB, LLB2, LLB3 का फॉर्म भरा जा रहा है। अब मैं बता देता हूँ आपको कि यूजी के अंदर कौन कौन से फॉर्म भरे जा रहे हैं। यूजी के अंदर BA होल्स पार्ट फर्स्ट 2019 का फॉर्म भरा जा रहा है, BA फर्स्ट पार्ट फर्स्ट का भरा जा रहा है, BA होल्स पार्ट सेकंड का, और BA पार्ट सेकंड का, BCOM पार्ट फर्स्ट होल्स का, BCOM पार्ट सेकंड होल्स का, BSc पार्ट फर्स्ट होल्स का, और BSc पार्ट फर्स्ट एग्जाम। दोस्तों लास्ट डेट इसकी, लास्ट डेट 24 सितंबर, यानी कि आज 21 सितंबर है और 24 सितंबर, आपके पास 3 दिन का समय और बचा है फॉर्म भरने का। तो दोस्तों अब क्या करना होगा आपको, कैसे फॉर्म भरे, तो नेक्स्ट स्टेप देखना। यदि आप इसमें हो, इस कैटेगरी में हो, तो इस पे यूजी पे क्लिक करना है। इस कैटेगरी में हो तो इस पे क्लिक करना है। पीजी का अभी कोई रिलेशन का फॉर्म नहीं भरा जा रहा है, तो मैं यूजी पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही यूजी पे क्लिक करूँगा तो आपके पास इसको ओके दबाना है, ये आएगी। इसके बाद आपको यहाँ से आपकी क्लास टाइप करनी होगी, कौन सी क्लास में हो, और यहाँ पर नोट आवश्यकता निर्देश बांट लेना कि लिख रहा है परीक्षार्थी ऑनलाइन भरे गए मूल्यांकन फॉर्म की हार्ड कॉपी प्रिंटेड प्रति 4 अंक के प्रति शुल्क जमा करने के पश्चात इंटरनेट तालिका के विश्वविद्यालय में जमा करानी होगी। उपरोक्त दस्तावेज जमा नहीं कराने पर स्थिति आवेदन पत्र को निरस्त माना जाएगा। इसकी जिम्मेदारी स्वयं परीक्षार्थी होगी। एक बार शुल्क जमा होने के पश्चात स्थिति में शुल्क वापस नहीं होगा। तो आपको तीनों नोटिस पढ़ना है। आपको जो भी पहले फॉर्म भराया था उसकी हार्ड कॉपी आपको जमा करानी है, उसको अनचालान आपका विश्वविद्यालय में ही जमा होगा। ओके, एक बार शुल्क कट गया तो आपका वापस नहीं होगा। अब यहाँ से आप क्लास सेट कर सकते हो, तो मैं आपको बता दूँ क्या करना है। जैसे आप BA पार्ट पे हो, BA पार्ट फर्स्ट ईयर में हो, तो आपने क्लास सेट कर ली, उसके बाद में आप करना प्रोसेस। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर अपना रोल नंबर लिखना है, उसके बाद में आपको प्रोसेस करना है। यदि आपका रिजल्ट रुका हुआ है तो या विश्वविद्यालय काउंट संपर्क करें, विश्वविद्यालय केस काउंटर पर संपर्क करें यदि रिजल्ट रुका हुआ है तो। जैसे आप इस रोल नंबर पर प्रोसेस करते हो अपने नंबर की, तो फिर उसके बाद प्रोसेस करना। जैसे अब आपका फॉर्म खुलेगा उसके बाद में आप फॉर्म भर सकते हो, यदि नहीं भर सकते हो तो आप ई मित्र पर जाके भर सकते हो, सावधानी पूर्वक ई मित्र पर जाके। अब मैं आपको बता देता हूँ कि फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, लास्ट 24 सितंबर है इसकी फॉर्म की लास्ट डेट। तो आप जल्दी से भरवा लो अपना फॉर्म, ऑनलाइन ऑनलाइन भरवा लो, फिर उसके बाद में उस कॉपी विश्वविद्यालय में जमा होगी। धन्यवाद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को, उसके साथ साथ बेल घंटी घंटी उसको भी दबा लेना, बेल आइकन उसको भी दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।